ट्रीट योर सेल्फ फ्लॉलेस। आज हम आपके लिए 2023 8 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे, पहला है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज ए उत्तराखंड, इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इन उत्तराखंड द 15th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल वॉज हेल्ड इन देहरादून यस्टरडे। स्टेट चीफ सेक्रेटरी एस एस ऑफिसर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश अटेंडेंट द मीटिंग चेयर्ड बाय संधु। इन द मीटिंग डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द स्टेट्स in the states included in the council. In the meeting, emphasis was laid on promoting local products in the states of the council and including them in the midday and meal scheme. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शंस हैं हमारा ए मलेशिया, बी म्यांमार, सी सिंगापुर, डी नेपाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या है, चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर सुंदरेश मेनन अटेंडेड द 73rd फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द चीफ गेस्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन रोल ऑफ जुडिशरी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इन दिस ईयर्स इवेंट वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तोसो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में याया तोसो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यह झील लद्दाख में 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। यह बड़ी संख्या में बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाली क्रेन और ब्रह्माणी बतख जैसे पक्षियों तथा जानवरों का आवास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए शमिका रवि, देविका रानी, प्रीति वोहरा, जागृति शर्मा। सो द आंसर इज करेक्ट आंसर इज ए शमिका रवि। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EECPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ब्यूकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC में गवर्नेंस स्टीज प्रोग्राम की अनिवासी वरिष्ठ फेलो हैं। अर्थशास्त्री विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली EACPM में वर्तमान में एक सदस्य और 6
तात्कालिक सदस्य हैं। सदस्य संजीव सान्याल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में रवि का स्वागत किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शंस हैं अमित त्रिवेदी, एम कीरावनी, गोपी सुंदर, रिकी के। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिकी के। इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट से व्याख्या देख लीजिए क्या दी है। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में व्याख्या आप पढ़ें। चलिए व्याख्या के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। व्याख्या को पूरा पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। चलिए, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अगर छोटी होगी तो पढ़ेंगे, बड़ी होगी तो आप पढ़ लीजिएगा, व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलिए चलिए पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज सप्लाइड 50 बसेस टू श्रीलंका ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका गोपाल बांगले हैंडेड ओवर दीज बसेस टू श्रीलंका प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे। रानी विक्रम सिंघे कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर अशोक ले लैंड हैज बेग्ड a contract for the supply of 500 buses from the Sri Lanka Transport Board. Under the contract, 75 buses have been handed over to Sri Lanka in January 2023. The Indian Import-Export Bank is providing loans for these buses. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मैरी रूख मैरो संतति नई हरित पहल प्रारंभ की है प्रारंभ की गई है? और ऑप्शंस हैं आसाम, हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है सिक्किम। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि मैरो रूख में संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नाम की पहल की उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता बच्चों और प्रति एक बीच संबंध को मजबूत करना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फरवरी 2023 में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है ए राजा राजन, सलीम साई संजय, नरेंद्र एस चिराग खोरपड़े। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सलीम साई संजय इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। फरवरी 2023 में FMSCO CI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में साई संजय ने MRF फॉर्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। उन्होंने 2015 में अपने मोटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की और 2018 में रॉकेट सीनियर मैक्स नंबर वर्ल्ड नंबर चैंपियन बने। अन्य चैंपियनशिप वर्गों में विश्वास विजय राज ने LGBF 300 राष्ट्रीय खिताब जीता, जबकि वयोवृद्ध अर्जुन बालू ने ITC का ताज, जो उनका 11वां राष्ट्रीय खिताब है, हासिल किया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शंस हैं ए इंडियन नेवी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी असम राइफल, डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है ना।
चलिए ऑप्शन के बाद व्याख्या देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के केंद्रीय आइस हॉकी टीम राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। लेह के लद्दाख में आयोजित ये प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI ने किया था। फाइनल मुकाबले में ITBP टीम ने में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 मात दी। ये टीम की लगातार तीसरी जीत है। चलिए अगला प्रश्न। किस विश्वविद्यालय में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद आयोजित किया गया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू यूनिवर्सिटी यानी जम्मू विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न और सबसे बढ़िया प्रश्न। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू विश्वविद्यालय में 36वें अंतर विश्वविद्यालय उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव अर्थनार्थ के मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए। महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के तत्वाधान में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का केंद्र है, जो 90,000 स्टार्टअप्स के साथ तीसरे स्थान पर है। 30 अरब डॉलर की 107 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। चलिए आगे फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।